कॉलेज के खिलाफ बरेली में बीएड परीक्षा दे रहे छात्र की हालत बिगड़ी। आपको बता चले कि बीएड की परीक्षा दे रहे एक अभ्यर्थी की परीक्षा के दौरान अचानक हालत बिगड़ गई, जिससे अफरा तफरी मच गई। छात्र की हालत बिगड़ने की सूचना प्रशासनिक अधिकारी को दी गई, अभ्यर्थी को क्वारंटाइन कर दिया गया है। इज्जतनगर थाना क्षेत्र के मुंशी निवासी अनीस अहमद की आज सुबह विष्णु इंटर कॉलेज में बीएड परीक्षा देते समय अचानक हालत बिगड़ गई। उसे तेज बुखार था, उल्टी भी आ रही थी। कक्ष निरीक्षक ने उसकी हालत बिगड़ते देख केंद्र व्यवस्थापक को जानकारी दी। वह तुरंत मौके पर पहुंचे। उन्होंने अभ्यर्थी को वहां से हटाकर उनकी थर्मल स्कैनिंग करवाई, उसे क्वारंटाइन के लिए भेज दिया गया। उस कमरे में अनीस के आसपास बैठे परीक्षा दे रहे सभी छात्रों के खिलाफ थर्मल स्क्रीनिंग कराई गई। कमरे में भी सैनिटाइज किया गया। कमरे के अन्य अभ्यर्थी को दूसरे कमरे में बिठाकर परीक्षा दिलाई गई। घटना की जानकारी मिलते ही आला अधिकारी ने मौके पर पहुंचे। ज्ञात हो कि पेट परीक्षा के दौरान परीक्षा देने के लिए आने वाले अभ्यर्थियों को केंद्र में प्रवेश करने से पहले उनकी थर्मल स्कैनिंग कराए जाने के लिए निर्देश जिलाधिकारी ने दिए थे। इसके बावजूद एक अभ्यर्थी की हालत परीक्षा के दौरान ही बिगड़ गई। बच्चे को दिक्कत हो रही है, इसकी आप इसके लिए एक लड़का जिसका नाम अनीस अहमद है, रूम नंबर 1 में एग्जाम दे रहा था। उसने बुखार की शिकायत की, उसे खांसी आने लगी। उस बच्चे को हमने आइसोलेट किया और ऊपर प्रशासनिक अमले तक हमने इस बात को पहुंचाया। अब बताइए कहां से आए थे परीक्षा देने के लिए, कहां के रहने वाले? ये कहीं मुंशी नगर का बच्चा है, वहां से आया था। परीक्षा उसने दी है, इस परीक्षा में आगे को पता नहीं, अपने भाई के साथ में चला गया है फिलहाल। एक नंबर रूम में जब बैठे थे उससे पहले आप लोगों को पता चल गया था ये थोड़ी बहुत देर उसमें भी बैठ रहे थे? जी नहीं, जब सुबह आया था स्कैनिंग की थी उस समय उसको बुखार नहीं था। सभी 500 कैंडिडेट्स की स्कैनिंग हुई है, साथ में जितने भी टीचर्स हैं स्टाफ है सबकी स्कैनिंग थर्मल स्कैनिंग हुई है। लेकिन चूंकि उसको बुखार था, अचानक उसकी शिकायत आई, इसे उसको आइसोलेट किया और आइसोलेट करने के बाद में उसने कहा मैं परीक्षा दूंगा, उसको परीक्षा दिलवाई गई।